ग्वालियर में एक बार फिर सिंधिया समर्थक व पूर्व मंत्री इमरती देवी सुमन चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है। कांग्रेस की हनुमान भक्ति पर मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और लघु उद्योग निगम की चेयरमैन इमरती देवी ने बड़ा तंज कसा है। इमरती देवी ने कहा है कि हनुमान भक्त है तभी तो उनकी बनी बनाई सरकार गिर गई। इसके साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में इमरती देवी ने एक बार फिर डबरा को जिला बनाने का राग अलापा है। बता दें कि 2 दिवसीय प्रवास पर केंद्रीय नगरीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर आए हुए थे और गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इसी बैठक में शामिल होने इमरती देवी भी पहुंची थी। बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर तंज कसा है। इमरती ने कहा कि अपने क्षेत्र का विकास हर कोई चाहता है, डबरा जिला बनना चाहिए, मैंने मुख्यमंत्री से कहा है, महाराज से भी मांग रखी है। इमरती देवी का डबरा को जिला बनाने की मांग शिवराज सरकार के लिए नया सिरदर्द बन सकता है, लेकिन इमरती समय समय पर अपनी इस मांग को उठाती रहती है। जब इमरती देवी से पूछा गया कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने दावा किया है कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए कई हारे हुए नेता उनके संपर्क में हैं और वे वापस लौटने के लिए कह रही है, हारे हुए लोगों के कांग्रेस में जाने के सवाल पर इमरती ने कहा कि जो कांग्रेस में जा रही है उनको पूछो, मैं भाजपा और सिंधिया जी के साथ हूँ, मुझे कोई ऑफर नहीं दे सकता, मेरा ऑफर महाराज को जाएगा। इमरती देवी से जब सवाल पूछा गया, कुछ समय पहले नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को फर्जी बताया था, उस पर आपका क्या कहना है? इस पर सिंधिया समर्थक इमरती का कहना था कि हमें नहीं पता वो फर्जी है या नहीं, ये तो गोविंद सिंह ही जाने। जिनको जाना है उनसे पूछो ना, मैं थोड़ी जा रही, तो भारतीय जनता पार्टी में और ज्योतिरा सिंधिया के साथ हूँ। आपके पास ऑफर आया क्या? क्या नहीं, मेरे पास कोई ऑफर दे ही नहीं सकता। मेरा ऑफर जाएगा तो सिंधिया जी के पास जाएगा। कौन नहीं चाहेगा कि विकास हो, तरक्की हो। अपने हर विधानसभा का क्षेत्र का विधायक और प्रतिनिधि चाहता है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। क्या चाहती है? डबरा जिला बन जाए। मांग रखी है आपने? मांग रखी है मैंने, राज से रखी है, मुख्यमंत्री से रखी है। क्या कहा, क्या आश्वासन मिला है आपको? जब जवाब देंगे तब हम बता देंगे। संघ जो है वो हनुमान जी पर भरोसा कर रहा है, जो मंदिर है उनमें हनुमान पाठ कराने की तैयारी है, कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस भी हनुमान की, हनुमान जी की तो मैं भी उन पर विश्वास करती हूँ, उनकी पूजा मैं भी करती हूँ। हनुमान जी एक भगवान है, सब आप लोग भी करते हो, सब करते हो। मैं क्या, ये हनुमान जी राजनीति में कहाँ से आ गए? कांग्रेस ने तो अपने अभी जो नारी सम्मान योजना का लॉन्च किया था पर्चा, उसमें भी जय बजरंग बली लिखकर जो शुरुआत की थी। हनुमान भक्त बताया कमलनाथ जी को, तभी तो बनी बनाई सरकार गिर गई, उनकी हनुमान भक्त है।